अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलम सिखो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्सेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन नंबर है 5। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 है और उसके 10 पार्ट्स हैं। तो हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में पहले 5 पार्ट्स को कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम सभी पार्ट्स को इसी वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो पहले 5 पार्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले हमारे पास जो जूस है, जो पहला पार्ट है, ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, यानी कि ए मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स, इसको हमने ऐड करना है। और फिर सी प्लस ए, इन दोनों को फिर दोबारा से ऐड करना है और हमने ये मेक श्योर करना है कि इनके जो आंसर्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो चलिए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0, जबकि सी मैट्रिक्स है हमारे पास -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2। तो अब हम इन एंट्रीज को ऐड कर लेते हैं। पहली एंट्री है 1 प्लस -1, सेकेंड एंट्री है 2 प्लस 0, जबकि थर्ड एंट्री है हमारे पास पहली रो की 3 प्लस 0। अब हम सेकेंड रो को करते हैं, 2 प्लस 0, 3 प्लस -2, ये हमने लिख दिया, 1 प्लस 3, ये आ गया। अब लास्ट वाली रो है थर्ड, 1 प्लस 1, -1, +1, ये हमने लिखा, 0 प्लस 2, ये लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 1 प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1, 0, 2 प्लस 0, 2, 3 प्लस 0, 2, 2 प्लस 0, 2, 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3, 4, 1 प्लus 1, 2, -1 plus 1, 0, 0 plus 2, 2 आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, सी प्लस ए को। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी प्लस ए, -1, 0, 0, 0, -2, 3, 1, 1, 2, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है एड ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0, ये हमने इधर लिख दिया। अब हम तमाम एंट्रीज को एड अप कर लेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, -1 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 3, 0 plus 2, -2 plus 3, ये हमने लिखा है, 3 plus 1। लास्ट वाली हमारी रो है 1 plus 1, 1 plus -1, ये हमने लिखा, 2 plus 0। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 plus 1, 0, 0 plus 2, 2 आ गया, 0 plus 3, 3 हो जाएगा। सेकेंड रो है 0 plus 2, 2, -2 plus 3, 1, 3 plus 1, 4, 1 plus 1, 2, 1 minus 1, 0, 2 plus 0, 2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनके जो आंसर्स हैं वो सेम है या नहीं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 0, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 2, और ये राइट हैंड साइड का आंसर है 0, 2, 3, 2, 1, 4, 2, 0, 2। फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 क्लियर हो गया। अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, -1, 0, जबकि बी मैट्रिक्स है 1, -1, 1, 2, -2, 2, 3, 1, 3। अब हम सभी एंट्रीज को ऐड अप कर लेंगे, 1 plus 1, 2 plus -1, 3 plus 1, सेकेंड रो है 2 plus 2,
3 प्लस माइनस 2, 1 प्लस 2, ये हमने इधर लिख दिया सेकंड रो। थर्ड रो है लास्ट, 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 3। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 माइनस 2 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कवर हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे एट ए मैट्रिक्स, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये हमने बी मैट्रिक्स लिख दिया, ये ए मैट्रिक्स। अब हम इन सभी एंट्रीज को एड अप कर लेंगे, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1, ये सेकेंड रो है। अब हम थर्ड रो करेंगे, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 आ गया, 1 प्लस माइनस 1, ये 1 प्लस माइनस 1 आ गया, 3 प्लस 0, ये 3 प्लस 0 हमने लिख दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, माइनस 2 प्लस 3 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, प्लस का 1 है और माइनस का 1 है, ये 0 हो जाएंगे, 3 प्लस 0 3। और देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है। नीचे हम एक लाइन लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज प्रूफ दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम इसी तरह थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 5 पार्ट 3, बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। अब हम बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और ये सी मैट्रिक्स है। अब हम सभी एंट्रीज को ऐड अप कर लेते हैं। पहली रो को हम देखेंगे, 1 प्लस माइनस 1, माइनस 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। सेकेंड रो है 2 प्लस 0, माइनस 2 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 3। अब थर्ड वाली रो, 3 प्लस 1, ये लिखा 1 प्लस 1, ये हमने इधर लिख दिया सेकेंड एंट्री पे। और थर्ड और लास्ट एंट्री है 3 प्लस 2। अब हम इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 माइनस का 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा, 2 प्लस 0 2 आ गया, माइनस 2 प्लस माइनस 2, ये माइनस साइन माइनस का लगेगा लेकिन ये अदद जो है, ये जो डिजिट हैं, ये एड अप हो जाएंगे, ये माइनस का 4 आ जाएगा। ये अलजेब्रिक रूल है, अगर जो हमारे पास माइनस की दो वैल्यूज हों तो साइन माइनस का लगेगा और जो वैल्यूज हैं वो एड अप हो जाएंगी, लिहाजा माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 हो जाएंगे, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, c प्लस बी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू c प्लस बी। पहले हमने c का मैट्रिक्स लिखा, ये हमारे पास c मैट्रिक्स है, और फिर एड b मैट्रिक्स। इन सभी एंट्रीज को ऐड करते हैं। पहली रो को देखते हैं, माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस 1। सेकेंड रो है 0 प्लस 2, माइनस 2 प्लस माइनस 2, 3 प्लस 2, 1 प्लस 3, 1 प्लस 1, 2 प्लस 3। अब इन सभी एंट्रीज को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 1 प्लस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 ये माइनस का 1 आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 ही आएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 ये माइनस का 4 हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ऊपर बताया कि ये अलजेब्रिक रूल है कि अगर सेम साइन हो, माइनस का साइन हो, तो डिजिट जो है वो एड अप हो जाएंगे और साइन माइनस का लग जाएगा, माइनस 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 3 5। तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी b प्लस c, वो हमारी राइट हैंड साइड यानी कि c प्लस b दोनों के आंसर्स इक्वल हैं, आप देख सकते हैं।
इन दोनों के आंसर भी सेम है. फ्रॉम वन एंड टू इट इज प्रूव दैट बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी. अब हम फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन फाइव पार्ट फोर. और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले बी प्लस ए करना है और उनका जो आंसर आएगा उसमें ए मैट्रिक्स दोबारा ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में. राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है दो के साथ और उसके आंसर में ऐड कर देना है हमने बी मैट्रिक्स. तो चलिए सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस ए. तो जो हमारे पास इन ब्रैकेट पोर्शन होगा सबसे पहले हम उसे सॉल्व करेंगे. ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज हम लिख देंगे ए मैट्रिक्स प्लस ये जो ब्रैकेट्स में है सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे. इनके दरमियान प्लस है तो लिहाजा हम इनको एडअप कर लेंगे. सभी एंट्रीज को ऐड करेंगे, वन प्लस वन माइनस वन प्लस टू वन प्लस थ्री. ये हमारे पास फर्स्ट रो हो गई. सेकेंड रो है टू प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री टू प्लस वन. ये हमारे पास सेकेंड रो भी हो गई. थ्री प्लस वन वन प्लस माइनस वन थ्री प्लस जीरो. ये हमारे पास थर्ड रो आ गई. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. पहला कॉलम जो है पहला मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज आ जाएगा और ये जो है हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. वन प्लस वन टू हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू प्लस का वन रह जाएगा, वन प्लस थ्री फोर हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, माइनस टू प्लस थ्री वन हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, वन प्लस माइनस वन ये जीरो आ जाएंगे, जीरो प्लस थ्री प्लस जीरो ये हमारे पास थ्री ही रहेगा. अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे. पहली एंट्री को पहली एंट्री के साथ करेंगे वन प्लस वन वन प्लस टू टू प्लस वन थ्री प्लस फोर ये हमारे पास पहली रो हो गई. अब सेकेंड रो करेंगे टू प्लस फोर थ्री प्लस वन वन प्लस थ्री ये हमारे पास सेकेंड रो भी हो गई. अब लास्ट रो करेंगे वन प्लस फोर माइनस वन प्लस जीरो जीरो प्लस थ्री. तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे. वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस फोर सेवन, फोर प्लस टू प्लस फोर सिक्स हो गया, थ्री प्लस वन फोर, वन प्लस थ्री फोर. लास्ट वाली रो है वन प्लस फोर फाइव हो जाएगा, माइनस वन प्लस जीरो ये माइनस का वन ही रहेगा, जीरो प्लस थ्री ये भी थ्री रहेगा. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट फोर की. अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड में हमने ए मैट्रिक्स को दो के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो उसका आंसर आएगा उसमें हमने बी मैट्रिक्स को ऐड कर देना है और इन दोनों के आंसर्स सेम होने चाहिए. तो यहाँ पे हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन फोर का पार्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट फोर. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टू ए प्लस बी. तो टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी एंट्रीज के साथ, इनका जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे ये वाला मैट्रिक्स जो कि है बी मैट्रिक्स. तो अब हम टू को मल्टीप्लाई करने लगे हैं हर एक एंट्री के साथ. टू मल्टीप्लाई बाय वन ये पहली रो है, टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री. अब सेकेंड रो के साथ करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री, टू मल्टीप्लाई बाय वन. इसी तरह लास्ट रो पे करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय वन, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, टू मल्टीप्लाई बाय जीरो. अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे. टू मल्टीप्लाई बाय वन टू ही रहेगा, टू बाय टू फोर हो जाएगा, टू बाय थ्री सिक्स, टू बाय टू फोर, टू बाय थ्री सिक्स, टू बाय वन टू ही रहेगा, टू इंटू वन टू आ गया, टू इंटू माइनस वन ये माइनस टू हो जाएगा, टू इंटू जीरो. और जीरो के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करें वो जीरो ही हो जाता है. तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड अप करेंगे. पहली रो को हम ऐड करेंगे सबसे पहले टू प्लस वन ये हमने लिख दिया, फोर प्लस माइनस वन ये यहाँ पे लिख दिया, सिक्स प्लस वन ये हमने लिख दिया,
फोर प्लस टू ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो में हमने लिख दिया पहली एंट्री। सिक्स प्लस माइनस टू ये सेकेंड एंट्री है सेकेंड रो की। टू प्लस टू ये हमने थर्ड एंट्री लिख दी सेकेंड रो की। अब लास्ट वाली रो है हमारे पास टू प्लस थ्री ये हमने लिखा, माइनस टू प्लस वन ये इधर लिख दिया, जीरो प्लस थ्री ये हमने लास्ट में लिख दिया। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, फोर प्लस माइनस वन ये थ्री प्लस का रह जाएगा, सिक्स प्लस वन ये सेवन हो जाएगा, फोर प्लस टू सिक्स, फोर सिक्स प्लस माइनस टू ये फोर हो जाएगा प्लस का, टू प्लस टू फोर, टू प्लस थ्री फाइव, माइनस टू प्लस वन ये माइनस का वन रह जाएगा, जीरो प्लस थ्री ये थ्री ही रहेगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेम था, आप देख सकते हैं ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन थ्री। अब हम राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी है थ्री थ्री सेवन सिक्स फोर फोर फाइव माइनस वन थ्री। तो नीचे हम एक लाइन लिखेंगे फ्रॉम वन एंड टू, इट इज प्रूव दैट ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू टू ए प्लस बी। तो इन दोनों के आंसर सेम है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट फाइव। पार्ट फाइव की राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना है, सी माइनस बी, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें ए मैट्रिक्स को हमने ऐड कर देना है, और फिर राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को लेस करना है, और जो इनका आंसर आएगा उसमें हमने सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट फाइव और उसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी माइनस बी प्लस ए। तो जिनमें ब्रैकेट्स हैं सबसे पहले हम वो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे, और सी मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हुआ है, और माइनस बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास ये लिखा हुआ है। तो पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, सभी एंट्रीज को हम लेस कर देंगे, माइनस वन माइनस वन ये हमारे पास पहली एंट्री आ गई पहली रो की, जीरो माइनस माइनस वन, जीरो माइनस वन ये हमारी पहली रो हो गई। अब सेकेंड रो है जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस टू ये हमारे पास दूसरी एंट्री आ गई, थ्री माइनस टू अब लास्ट रो करेंगे, अब हम वन माइनस थ्री, वन माइनस वन, टू माइनस थ्री। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, और ये जो मैट्रिक्स है ए इसको एज इट इज हम लिख लेंगे, माइनस वन माइनस वन। जैसे मैंने पहले बताया जब दोनों डिजिट्स सेम साइन के हों यानी कि माइनस की दोनों रकमें हों तो उनको हम ऐड कर लेंगे, और साथ जो साइन है वो माइनस का लगेगा, ये माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन ही रहेगा, सॉरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अलजेब्रिक रूल है। तो ये हमारे पास प्लस का वन आ जाएगा, और ये माइनस वन ही रहेगा, ये माइनस टू हो जाएगा, और ये ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये प्लस का टू हो जाएगा, माइनस टू माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का टू रह जाएगा, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो, थ्री माइनस टू वन, ये यहाँ पे हमारे पास वन आ जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू, वन माइनस वन ज़ीरो, टू माइनस थ्री माइनस वन। तो इस मैट्रिक्स के साथ हम ऐड करेंगे ये वाला जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अब हम हर एक एंट्री को ऐड करेंगे, माइनस टू प्लस वन, वन प्लस टू, माइनस वन प्लस थ्री, माइनस टू प्लस टू, ज़ीरो प्लस थ्री, वन प्लस वन ये हमारी सेकेंड रो भी होगी। अब हम थर्ड रो देखेंगे, माइनस टू प्लस वन, ज़ीरो प्लस माइनस वन, माइनस वन प्लस ज़ीरो। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस टू है प्लस का वन है, माइनस का वन रह जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, माइनस वन है और प्लस के थ्री हैं तो प्लस के टू रह जाएंगे हमारे पास, माइनस टू प्लस टू ये ज़ीरो रह जाएगा, ज़ीरो प्लस थ्री ये भी थ्री हो जाएगा, वन प्लस वन टू, माइनस वन प्लस वन
ये हमारे पास माइनस का मान रह जाएगा, जीरो प्लस माइनस वन, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही साइन आएगा, लिहाजा यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन प्लस जीरो, तो ये हमारे पास माइनस का मान रह जाएगा। ये है हमारी क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट फाइव की लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, ए माइनस बी करना है, और उसका जो आंसर आएगा उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है सी प्लस ए माइनस बी, तो जिनमें ब्रैकेट लगी हुई है सबसे पहले हम वो वाली एंट्रीज करेंगे, इनके दरमियान हमारे पास है माइनस, लिहाजा सभी एंट्रीज को हम माइनस कर देंगे। तो पहली एंट्री है पहली रो की वन माइनस वन, टू माइनस माइनस वन, ये हमने लिख दिया टू माइनस माइनस वन, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन इधर लिख दिया। अब सेकंड रो करेंगे टू माइनस टू, थ्री माइनस माइनस टू, वन माइनस टू, ये हमारी सेकंड रो भी हो गई, वन माइनस थ्री, माइनस वन माइनस वन, ये लिख दिया हमने, जीरो माइनस थ्री, ये लास्ट पे लिख दिया। अब हम इनको करेंगे सिंप्लीफाई, ये पहला मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा क्योंकि अभी हमने ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिक्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो माइनस वन ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस बाहर है और ये ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू प्लस वन ये थ्री हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू, टू माइनस टू जीरो, ये अंदर माइनस है ब्रैकेट में और बाहर भी माइनस है, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू थ्री प्लस टू फाइव हो जाएगा, वन माइनस टू, तो वन प्लस का एक है और माइनस के दो हैं तो हमारे पास माइनस का एक रह जाएगा, वन माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन माइनस वन, माइनस के टू हो जाएंगे, जीरो माइनस थ्री, माइनस के थ्री रह जाएंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन है तो अब हम इनको प्लस कर लेंगे। पहली रो देखते हैं माइनस वन प्लस जीरो, जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस टू, सेकेंड रो है जीरो प्लस जीरो, माइनस टू प्लस फाइव, थ्री प्लस माइनस वन, ये हमने इधर लिख दिया, वन प्लस माइनस टू, ये वन प्लस माइनस टू, वन प्लस माइनस टू, वन प्लस माइनस टू इधर लिख दिया हमने सेकेंड एंट्री पे, और लास्ट एंट्री है टू प्लस माइनस थ्री। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये हमारे पास माइनस वन ही रहेगा, थ्री में जीरो ऐड करेंगे तो वो थ्री ही रहेगा, टू में जीरो ऐड करेंगे वो भी टू ही रहेगा, जीरो में जीरो ऐड करें तो कुछ भी नहीं होता, जीरो ही रहेगा, माइनस टू प्लस थ्री, टू के टू जो है वो हमारे पास माइनस का है और थ्री प्लस का है, जैसा हमारे पास सॉरी फाइव प्लस का है तो इसमें से लेस कर देंगे तो हमारे पास थ्री पॉजिटिव आ जाएगा प्लस का, थ्री माइनस वन टू, वन माइनस टू माइनस वन रह जाएगा, वन माइनस टू ये भी माइनस वन रह जाएगा, टू माइनस थ्री ये भी हमारे पास माइनस वन रह जाएगा। तो अब हम पहले देखते हैं हमारा जो आंसर है माइनस वन थ्री टू, जीरो थ्री टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अब हम देखते हैं ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था माइनस वन थ्री टू, जीरो थ्री टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी सेम है माइनस वन थ्री टू, जीरो थ्री टू, माइनस वन माइनस वन माइनस वन। नीचे हम एक लाइन लिख देंगे फ्रॉम वन एंड टू इट इज प्रूव दैट सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे फाइव पहले पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल इलम्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।